इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे आपके एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर का एक पेपर है जो कि फॉरेन ट्रेड मैनेजमेंट, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज को देखेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज को इस सीरीज में हम देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड रिफर्स टू, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है अगर फॉरेन ट्रेड की हम बात करें तो उसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी कब स्टार्ट हुई, कैसे हुई, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके डेट्स क्या हैं, ठीक है, जैसे फुल फॉर्म हो गया, BOP के फुल फॉर्म क्या होते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है, तो ये सारी चीज़ें जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ट्रेड, तो ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ के एग्जाम में जाने ही जाने हैं। तो पहला क्वेश्चन है बैलेंस ऑफ ट्रेड रिफर्स टू। देखिए हम दो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करते हैं, पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैं ये डिस्कस कर रही हूँ। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब ये हुआ कि ये एक नैरो कॉन्सेप्ट होता है, मीन्स जिसमें सिर्फ हम विजिबल आइटम्स को इंक्लूड करते हैं, और बैलेंस ऑफ ट्रेड में एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट्स हुए हैं हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, और बैलेंस ऑफ ट्रेड में फेवरेबल और अनफेवरेबल हो सकते हैं। वहीं अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें जिसे हम BOP बोलते हैं, ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम विजिबल और इनविजिबल आइटम्स को दोनों इंक्लूड करते हैं। एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं कौन सा किस में इंक्लूड करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज के ट्रांजेक्शन्स को उसको हम क्या करते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं, जितने रिसिप्ट हुए और पेमेंट हुए उसको टैली होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पहला ही क्वेश्चन कह रहा है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड किससे रेफर करता है, डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, बी ऑप्शन कहता है डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड सप्लाई, कि सी कहता है डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ विजिबल एक्सपोर्ट एंड विजिबल इम्पोर्ट, की डी ऑल ऑफ द अबव। तो जस्ट मैंने बताया कि बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ विजिबल आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, वो डिफरेंस जो एक विजिबल एक्सपोर्ट और विजिबल इम्पोर्ट के बीच में जो डिफरेंस होगा उसी को हम क्या कहेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलेंगे, BOP होगा। और यहीं पर अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट पूछा होता तो हम इसमें विजिबल और इनविजिबल आइटम्स दोनों को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है द ट्रेड विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द सेम कंट्री इज नोन एज इंटरनल ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, की नन ऑफ द अबव। ठीक है, ऑलरेडी मैंने फॉरेन ट्रेड पे बहुत सारे थ्योरी सेशन, अगर जिन्होंने भी देखा होगा ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और जिन्होंने भी नहीं देखा तो एग्जाम से पहले ये सारे कॉन्सेप्ट आप जरूर देख कर जाएं। कहता वो ट्रेड, वो व्यापार जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द सेम कंट्रीज में हुए हों उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंटरनल ट्रेड बोलेंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन है फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज ट्रू, हमें क्या बताना है इसमें से कौन सा सही है। पहला कह रहा है, पहला पॉइंट ये कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट इज नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, दूसरा कह रहा है व्हेन द इम्पोर्ट एक्सीड द एक्सपोर्ट इट इज कॉल्ड एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि जब एक्सपोर्ट एक्सीड करता है इम्पोर्ट से तो उसको हम फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। तो तीनों के तीनों पॉइंट यहाँ पर सही हैं इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। देखिए जो डिफरेंस होता है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के बीच में उसे हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहेंगे, बिल्कुल, जब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम बैलेंस ऑफ ट्रेड कहेंगे, एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड, और जब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से ज़्यादा हो जाता है तो उसे हम फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। तीनों की तीनों बातें क्या हैं, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर है द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर स्टार्ट विथ लेटर, शिपिंग बिल, इंडेंट, की नन ऑफ दिस। इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का जो प्रोसीजर होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव की बात करें द इम्पोर्ट लाइसेंस आर इशूड बाई, जो इम्पोर्ट लाइसेंस होते हैं वो किसके द्वारा इशूड होते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, कंट्रोलर ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, किसी है एग्जिम एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जिसे हम बोलते हैं, कि डी है मिनिस्टर ऑफ ट्रेड। तो जो इम्पोर्ट लाइसेंस है वो किसके द्वारा इशूड होते हैं, कंट्रोलर ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करें द इम्पोर्ट लाइसेंस आर यूज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 मंथ, 1 ईयर, 6 मंथ, की नन ऑफ दीज।
तो इम्पोर्ट लाइसेंस जो यूज होते हैं पीरियड के लिए वो कितने पीरियड के लिए रहते हैं, दैट इज फॉर 6 months, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, फॉरेन ट्रेड प्लेसिंग ऑफ ऑर्डर फॉर गुड्स इज नोन एज स्पेशल ऑर्डर, बिल ऑफ गुड्स, इंडेंट की नन ऑफ दिस. तो इन फॉरेन ट्रेड की हम बात करें, जब हम किसी गुड्स को ऑर्डर करते प्लेस करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज इंडेंट, ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, लेटर ऑफ क्रेडिट जिसे हम LOC बोलते हैं इज प्रोड्यूस्ड बाई एन एक्सपोर्टर, एन इम्पोर्टर, कस्टमर, बैंक के इंडेंट हाउस. तो एक लेटर ऑफ क्रेडिट जो है प्रोड्यूस्ड होता है किसके द्वारा, एक इम्पोर्टर के द्वारा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हेन द बैंकर इज इंस्ट्रक्टेड टू डिलीवर द डॉक्यूमेंट्स लाइक इनवॉइस, इंश्योरेंस पॉलिसी, बिल ऑफ लोडिंग, ETC अगेंस्ट एक्सेप्टेंस, उसे हम क्या बोलते हैं, DA bill, DP bill, AD bill की PD bill, तो इसे हम बोलते हैं दैट इज DA. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट में पिन करिएगा ये DA bill क्या है, AD bill, ये सारी चीज़ें आपको बतानी है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हेन द बैंकर इज इंस्ट्रक्टेड टू डिलीवर द डॉक्यूमेंट्स लाइक बिल ऑफ लोडिंग, इंश्योरेंस पॉलिसी, अगेंस्ट पेमेंट, क्वेश्चन डिफरेंट है, अगेंस्ट पेमेंट पूछा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, शिपिंग ऑर्डर इज इशूड बाई द ऑनर ऑफ द शिप व्हेन गुड्स, जब हम बुक्ड करते हैं शिप के लिए, वाइड पार्ट ऑफ द शिप इज हायर्ड, थर्ड है द इम्पोर्ट ड्यूटी हैज बीन पेड, की डी ऑल ऑफ द अबव. तो शिपिंग ऑर्डर जो है इशूड होता है ऑनर ऑफ द शिप जब गुड्स को क्या किया जाए, शिप बुक्ड किया जाए ऑन अ शिप, दैट इज ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, द शिपिंग कंपनी इशू अ चार्टर पार्टी ऑनली अ कंप्लीट शिप को हायर्ड करेंगे जब पार्ट ऑफ शिप इज हायर्ड, कि बोथ A and B, कि नन ऑफ दिस. तो शिपिंग कंपनी इशू करेगा चार्टर पार्टी को कब, जब वो कंप्लीट शिप को हायर करेगा या पार्ट ऑफ द शिप को सिर्फ हायर करेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है, चार्टर पार्टी इज फॉर अ डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, कि डिफरेंट वॉइस, A and B की नन ऑफ दिस. तो चार्टर पार्टी इज फॉर द एक डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम और एक डिफरेंट वॉइस के लिए, दैट इज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर सही. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ट्रेड एक आउटकम होता है किसका, टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ लेबर का, कि पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स का, कि कल्चरल टाइज का, कि ऑल ऑफ द अबव का. तो इसका आंसर हो जाएगा पहले का, कि जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है एक टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ लेबर होता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर सही. नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is not the difference between foreign trade and home trade? इसमें से कौन सा है जो difference नहीं होता है foreign trade और home trade के बीच? तो इसका आंसर वो पहला क्या है, different अगर currencies हैं, दूसरा है different अगर political units हैं, तीसरा है कि homogeneity है markets में, कि different trade policies हैं. तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, second का आंसर हो जाएगा, अगर different currencies हैं तो it is not the difference between, इसमें से नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डिफरेंट करेंसीज. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द नॉट द एडवांटेज ऑफ फॉरेन ट्रेड, इसमें से फॉरेन ट्रेड का जो एडवांटेजेस नहीं है, हार्मोनाइजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल रिलेशंस, की बी है इंक्रीज प्रोडक्शन, की सी है वर्ल्ड प्रॉस्पेरिटी, की नन ऑफ दी. तो इसमें से पूछा कौन सा एडवांटेजेस नहीं है, तो तीसरे का आंसर हो जाएगा डी, इसमें से कोई जो है वो एडवांटेजेस नहीं है आपका किसका, एंड इसका, ठीक है, फॉरेन ट्रेड का. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, इंटरनेशनल ट्रेड टेक प्लेस ड्यू टू द मेन रीजन लाइक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, ट्रेडिशन, जियोग्राफिकल स्पेशलाइजेशन की पॉलिटिकल नीड्स. तो इंटरनेशनल ट्रेड टेक प्लेस करता है, मेन रीजन क्या रहता है, तो चौथे का आंसर हो जाएगा टेक्नोलॉजी में क्या है, कुछ एडवांसमेंट आया है, कुछ बदलाव आया है, तो इंटरनेशनल ट्रेड वहाँ पर टेक प्लेस करेगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है, द थ्योरी ऑफ कॉम्परेटिव एडवांटेजेस वॉज प्रोपोनेंटेड बाई किंडरबर्गर, जेएस मिल, एडम स्मिथ एंड डेविड रिकॉर्डो. तो पांचवें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डेविड रिकॉर्डो के द्वारा क्या है, थ्योरी ऑफ कॉम्परेटिव एडवांटेजेस दिया गया है. देखिए इंटरनेशनल ट्रेड की जितनी भी थ्योरीज हैं उस पर भी मैंने कंप्लीट सेशन लिया है, तो एग्जाम से पहले उन सारी थ्योरीज को आप जरूर देख कर जाएं, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इंटरनेशनल ट्रेड इज बट अ स्पेशल केस ऑफ
इंटर लोकल ऑफ इंटर रीजनल ट्रेड, वो हुज स्टेटमेंट इज दिस, किसके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है? रिकार्डो के द्वारा, हैक्सनर के द्वारा, टेजोंग के द्वारा, होलिन के द्वारा। तो इंटरनेशनल ट्रेड इज बट एक स्पेशल केस होता है इंटर या इंटर रीजनल ट्रेड का। तो ये स्टेटमेंट कहा गया है, दैट इज ओहलिन के द्वारा कहा गया है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीवैल्यूएशन विल टेंड टू ब्रिंग अबाउट द इम्प्रूवमेंट इन अ कंट्री टर्म्स ऑफ ट्रेड। ठीक, इन टर्म्स ऑफ ट्रेड कब? जब प्रोडक्ट जो है डिमांड की इलास्टिसिटी ऑफ कंट्री की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट ज़्यादा होगी, प्रोडक्ट ऑफ द सप्लाई इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। कि बी कह रहा, जो प्रोडक्ट है डिमांड की इलास्टिसिटी की वो कंट्री की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट लेस देन है सप्लाई इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। कि सी कह रहा है कि जो रेट ऑफ एक्सचेंज वो कॉन्स्टेंट है। कि डी, बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम है। तो सेवन का आंसर हो जाएगा जब, कि जब प्रोडक्ट ऑफ द डिमांड इलास्टिसिटी कंट्री की एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या है आपकी, ज्यादा है। द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टर्म्स ट्रेड इज गिवन बाय विनर, टेजिंग, एलिजवर्थ के डोरेंस। तो कॉन्सेप्ट जो है इनकम का टर्म्स ऑफ ट्रेड वो किसके द्वारा दिया गया है, दैट इज गिवन बाय डोरेंस के द्वारा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, द टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या मेजर करता है? रिलेटिव प्राइजेस जो इंपोर्टिंग कंट्री में होते हैं, कि बी है रिलेटिव प्राइजेस जो होते हैं एक्सपोर्टिंग कंट्री के, कि सी है कि कितनी यूनिट्स ऑफ गुड्स को हम गिव करें ताकि ईच यूनिट रिसीव कर सके इन ट्रेड बाय ए ट्रेडिंग कंट्री, कि द वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट। तो 9th का आंसर हो जाएगा, दैट इज योर सी, कि कितनी हम, हाउ मेनी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। विच इज नॉट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटर्नल पेमेंट, इसमें से कौन सा एक्सटर्नल पेमेंट का इंस्ट्रूमेंट नहीं है? बैंक ड्राफ्ट, लेटर ऑफ क्रेडिट, टेलीग्राफिक ट्रांसफर। तो 10th का आंसर हो जाएगा, दैट इज योर बी, हुंडी जो है ये एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है एक्सटर्नल पेमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ अ कंट्री की करेंसी, द प्राइस ऑफ मनी। कि सी कह रहा है कि द रेट प्रिवेलिंग इन द एक्सचेंज बैंक, की एक यूनिक रेट। तो रेट ऑफ एक्सचेंज का मतलब वो एक्सचेंज रेट होता है जिसमें एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ कंट्री करेंसी, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, द एक्ट ऑफ साइमल्टेनियसली बाइंग अ करेंसी इन वन मार्केट एंड सेलिंग, मतलब एक मार्केट से हम दूसरे मार्केट में उसको सेल कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्पेकुलेशन, स्पॉटिंग, आर्बिट्रेज की फॉरवर्डिंग। तो 12th का आंसर हो जाएगा, दैट इज योर डी, आर्बिट्रेज, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट सारे गुड्स को, ऑल गुड्स एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड को हम रिकॉर्ड कहाँ करते हैं? विजिबल अकाउंट, इनविजिबल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट की मर्चेंडाइज अकाउंट। तो इन बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में सारे गुड्स एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट को हम रिकॉर्ड कहाँ करते हैं? इट शुड बी रिकॉर्डेड इन मर्चेंडाइज अकाउंट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है कि वो ट्रू अबाउट द बैलेंस ऑफ पेमेंट। ए कहता है कि जब करंट अकाउंट डेबिट्स मस्ट बी इक्वल टू करंट अकाउंट्स क्रेडिट। बी कहता है कि विजिबल मस्ट इक्वल इनविजिबल। कि सी कहता है कि जो टोटल डेबिट्स मस्ट इक्वल टोटल क्रेडिट्स। कि सी, डी है डिजायर्ड पेमेंट मस्ट इक्वल टू एक्चुअल पेमेंट। इसमें से कौन से स्टेटमेंट सही है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकॉर्डिंग? तो 14 का आंसर हो जाएगा, दैट इज सी, कि जितना टोटल डेबिट मस्ट बी इक्वल टू टोटल क्रेडिट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, विच इज नॉट द मैथड ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल। एक्सचेंज कंट्रोल का मैथड नहीं है इंटरवेंशन, गोल्ड पॉलिसी, ब्लॉक्ड अकाउंट की रेशनिंग। तो इसमें से कौन सा मेथड नहीं है एक्सचेंज कंट्रोल का? तो 15 का आंसर हो जाएगा, दैट इज रेशियोइंग, इट इज नॉट द मेथड ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल। नेक्स्ट है, द IMF इज अ सेट अप टू ए प्रोवाइड डेवलपमेंट फाइनेंस टू मेंबर कंट्रीज। कि बी है फंक्शन एज अ शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। कि सी है सप्लाई गोल्ड टू द कंट्रीज टू नीड। कि डी है कैरी इन ऑल द अबव स्टेटेड फंक्शन। तो IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसे हम बोलते हैं, इट इज सेट अप टू, तो 16 का आंसर हो जाएगा, दैट इज योर बी, इट फंक्शन एज अ शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। नेक्स्ट 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ द इंटरनेशनल लिक्विडिटी स्ट्रक्चर। कंपोनेंट नहीं पूछा है। US डॉलर रिजर्व, स्टेरलिंग रिजर्व, गोल्ड रिजर्व की बायलेटरल क्रेडिट एग्रीमेंट। तो 17 का आंसर हो जाएगा, दैट इज योर डी, बायलेटरल क्रेडिट एग्रीमेंट। ये एक कंपोनेंट नहीं है इंटरनेशनल लिक्विडिटी स्ट्रक्चर का। वर्ल्ड बैंक को किस और नाम से जानते हैं? इंटरनेशनल फाइनेंस बैंक, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट जिसे हम IBRD बोलते हैं।
तीसरा वर्ल्ड सेंट्रल बैंक, किस डी है इंटर गवर्नमेंटल बैंक। तो वर्ल्ड बैंक को किस और नाम से जानते हैं, तो 18 का आंसर हो जाएगा, 18 का दैट इज ऑप्शन नंबर बी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है कि विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ वर्ल्ड बैंक, इसमें से वर्ल्ड बैंक का एक फंक्शन नहीं है, टू अरेंज लोन्स फॉर द अर्जेंट प्रोजेक्ट्स, की बी है टू असिस्ट इन रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, की सी है टू प्रमोट द लॉन्ग टर्म बैलेंस ग्रोथ ऑफ द रीजन्स ऑफ द कंट्री, टू इनकरेज इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। तो इसमें से एक वर्ल्ड बैंक का फंक्शन नहीं है, तो 19 का आंसर हो जाएगा, दैट इज योर ए, टू अरेंज लोन्स फॉर द अर्जेंट प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट है इंटरनेशनल जो फाइनेंस कॉरपोरेशन एम्स एट इंक्रीजिंग द ग्रोथ ऑफ द प्रोडक्टिव प्राइवेट इंटरप्राइजेस, की बी है कि स्टेट इंटरप्राइजेस को इंकरेज करना, की सी है इंक्रीजिंग द फ्लो ऑफ कैपिटल इन द वर्ल्ड, की ऑल ऑफ द अबव। तो इंटरनेशनल जो फाइनेंस कॉरपोरेशन है उसका मेन एम या उद्देश्य हम कहें क्या होता है कि इंक्रीजिंग द ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिव प्राइवेट इंटरप्राइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इज एफिलिएटेड टू द IMF, IBRD, द IFC, तीनों के फुल फॉर्म में बता दे रही हूँ। IMF स्टैंड फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IBRD स्टैंड फॉर इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, एंड IFC इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ठीक है, तो 21 इंटरनेशनल जो डेवलपमेंट एसोसिएशन है वो एफिलिएटेड किससे है, तो इट इज एफिलिएटेड टू ऑप्शन नंबर बी, IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट है IDA को किस और नाम से जानते हैं, द वर्ल्ड बैंक, द सॉफ्ट लोन विंडो, द टर्म लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, द पॉकेट एडिशन ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो IDA इट इज नोन एज द 22 का आंसर हो जाएगा, दैट इज योर वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेट, द गेट इन जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड, इसका फुल फॉर्म है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, कंट्रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड, एक्सपेंशन ऑफ फॉरेन इंटरनेशनल ट्रेड, हेवेने चार्टर, कस्टम्स यूनियन। तो गेट एम सेट क्या हो जाएगा, इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, 23 का ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है द फर्ड यूनिकार्ड मीट इन द अनकॉन्ड मीट इन द ईयर 1970, 1964, 1986, 1946। तो फर्ड फर्स्ट जो है अनकॉन्ड मीट इन द ईयर कब, दैट इज 24 का ऑप्शन हो जाएगा, 1964। नेक्स्ट है अनकॉन्ड सिक्स वॉज हेल्ड इन द ईयर 1980, 1983, 1985 की 1986। तो 25 का आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 1983। नेक्स्ट है जब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट एक्सीड कर दें इम्पोर्ट से, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, फेवरेबल होता है, अनफेवरेबल होता है, नाइदर फेवरेबल की नॉर फेवरेबल, नन ऑफ दी अबव। जो एक्सपोर्ट है इम्पोर्ट से ज़्यादा हो जाए, तो ऐसे केस में 26 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। नेक्स्ट है 27 अगर क्वेश्चन की बात करें, व्हेन इम्पोर्ट एक्सीड इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या हो जाएगा, फेवरेबल हो जाएगा, अनफेवरेबल हो जाएगा, कि बोथ है एंड बी, की नन ऑफ दीज। जब इम्पोर्ट एक्सीड करेगा एक्सपोर्ट पे, ऐसे केस में बैलेंस ऑफ ट्रेड जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनफेवरेबल हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हेन कस्टम ड्यूटी को हम लिविड करेंगे अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ गुड्स, उसे हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू ड्यूटी कहेंगे, एक्सरसाइज ड्यूटी कहेंगे, स्पेसिफिक ड्यूटी कहेंगे, कि एड वैलोरम ड्यूटी कहेंगे। जब कस्टम ड्यूटी को लिविड करेंगे अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ गुड्स, तब हम उसे क्या बोलेंगे, 28 का आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, एड वैलोरम ड्यूटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29 है, व्हेन कस्टम ड्यूटी को लिविड करेंगे अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ द गुड्स के, उसे हम क्या कहेंगे, रिवेन्यू ड्यूटी, एक्सरसाइज ड्यूटी, स्पेसिफिक ड्यूटी, की एड वैलोरम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी को जब हम लिविड करेंगे अकॉर्डिंग टू द वेट ऑफ द गुड्स, तो उसे हम क्या कहेंगे, 29 का आंसर हो जाएगा, दैट इज योर सी, स्पेसिफिक ड्यूटी। नेक्स्ट है व्हेन कस्टम ड्यूटी इज लिविड अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट ऑफ गुड्स, ये तीनों क्वेश्चंस डिफरेंट और काफी इंपॉर्टेंट है, इसे हम क्या कहेंगे, रेवेन्यू ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, स्पेसिफिक ड्यूटी, की एड वैलोरम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी को लिविड अकॉर्डिंग टू द मेजरमेंट ऑफ गुड्स, देन इसे हम क्या कहेंगे, 30 का आंसर, दैट इज योर सी, स्पेसिफिक ड्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्पोर्ट प्रोसीजर बिगेन्स विद द मेथ्स रिसीव, मैरीन इंश्योरेंस, इंडेंट की शिपिंग बिल। तो इम्पोर्ट प्रोसीजर बिगेन्स विद क्या हो जाएगा, दैट इज 31 का आंसर हो जाएगा, इंडेंट। नेक्स्ट है लेटर ऑफ क्रेडिट जो है प्रोड्यूस किया जाता है, LOC जिसे हम बोलते हैं, एन एक्सपोर्टर, इम्पोर्टर, कस्टम अथॉरिटीज की शिपिंग कंपनी। तो 32 का आंसर हो जाएगा, दैट इज योर बी, इम्पोर्टर।
नेक्स्ट है एक्सिम बैंक क्या प्रोवाइड करता है, जिसे हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक बोलते हैं। इंपोर्टर इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर की ट्रेड, तो एक्सिम बैंक इट क्या क्या करता है, प्रोवाइड करता है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इंपोर्टर। नेक्स्ट है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ए कंट्री टेंड्स टू स्पेशलाइज द एक्सपोर्ट दूस कॉमोडिटीज इन द प्रोडक्शन ऑफ विच, जिसके पास मैक्सिमम कॉम्पेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज होता है या मिनिमम कॉम्पेरेटिव एडवांटेज होता है। किसने ये स्टेटमेंट कहा है, रिकार्डो ने, हैक्सनर ने, ओहलिन ने कि नन ऑफ दीज, तो 34 का आंसर हो जाएगा दैट इज योर ए, ये स्टेटमेंट रिकार्डो के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ट्रेड क्या प्रमोट करता है, राइवलरी बिटवीन टू और मोर कंट्रीज की, अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, कॉम्पिटिशन इन द कंट्री की, ऑल ऑफ द अबव। तो इंटरनेशनल ट्रेड क्या प्रमोट करता है, इट प्रमोट द कॉम्पिटिशन इन द कंट्री, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है इन अ कंट्री हैज डैश टर्म्स ऑफ ट्रेड देन इट विल क्लेम अ लार्जर शेयर इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन्स, फेवरेबल अनफेवरेबल बोथ ए एंड बी की नन ऑफ दीज, तो 36 का आंसर हो जाएगा दैट इज योर ए फेवरेबल। नेक्स्ट है द रेट एट विच वन कंट्री प्रोडक्ट एक्सचेंज फॉर दोज ऑफ अदर, उसको हम रिफर करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, एक्सचेंज रेट की टर्म्स ऑफ ट्रेड, तो 37 का आंसर हो जाएगा दैट इज योर डी टर्म्स ऑफ ट्रेड। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड को किसने डिवाइस किया था, रिकार्डो के द्वारा, टॉजिंग के द्वारा, ओहलिन के द्वारा की डॉरेंस के द्वारा, तो कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड ये डिवाइस किया गया था, तो 38 का आंसर हो जाएगा दैट इज योर बी। नेक्स्ट है एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑथराइजिंग ए पर्सन टू ड्रॉ अ बिल अ चेक फॉर स्पेसिफाइड सम ऑन द इशूइंग बैंक एट अ स्टिमुलेटेड टाइम, बिल ऑफ लेडिंग, बैंक ड्राफ्ट, लेटर ऑफ क्रेडिट की टेलीग्राफिक ट्रांसफर, दैट इज 39 का आंसर हो जाएगा आपका सी, दैट इज लेटर ऑफ क्रेडिट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 है फॉरेन बिल ऑफ एक्सचेंज को जनरली यूज किया जाता है विद द एडेड फॉर्मेलिटी ऑफ अ लेटर ऑफ क्रेडिट, बैंक ड्राफ्ट, बिल ऑफ लेडिंग की टेलीग्राफिक ट्रांसफर, तो 40 का आंसर हो जाएगा दैट इज योर लेटर ऑफ क्रेडिट। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 है द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज अ प्लेस वेयर फॉरेन मनीज आर बॉट एंड सोल्ड, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा कहा गया है, डेविड रिकार्डो के द्वारा, केंडल बर्गर के द्वारा, ओहलिन के द्वारा, हैक्सनर के द्वारा, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां हम फॉरेन क्या कहते हैं उसको और ब्रॉट एंड सोल्ड, तो ये स्टेटमेंट कहा गया है 41 का आंसर हो जाएगा दैट इज योर बी केंडल बर्गर के द्वारा ये कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है द थ्योरी एक्सप्लेनिंग द डिटरमिनेशन ऑफ द एक्सचेंज रेट बिटवीन द कंट्रीज जो कि विच आर ऑन द सेम मेटोलिक स्टैंडर्ड, उसे हम क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी, परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी की, मिनी पैरिटी थ्योरी की, नन ऑफ द अबव, तो 42 का आंसर हो जाएगा दैट इज योर सी की मिनी पैरिटी थ्योरी उसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43 है हु सजेस्टेड परचेजिंग पावर पैरिटी एज अ एप्रोप्रिएट लेवल एट विच द एक्सचेंज रेट इज सेट, कैजल, ऑल इन, रिकार्डो की, डोरेंस, तो किसने सजेस्ट किया कि जो परचेजिंग पावर पैरिटी होती है वो एक अप्रोप्रिएट लेवल होती है जिस पे एक्सचेंज रेट को सेट किया जाता है, दैट इज 43 का ऑप्शन हो जाएगा ये कहा गया है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है विच थ्योरी इज ऑल्सो रिफर टू एज अ डिमांड सप्लाई थ्योरी ऑफ एक्सचेंज, बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी, मिनी पैरिटी थ्योरी, परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी की, नन ऑफ दी अबव, इसमें से कौन सी थ्योरी को रिफर किया जाता है एज अ डिमांड सप्लाई थ्योरी ऑफ एक्सचेंज, तो 44 का आंसर हो जाएगा दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 है अंडर द प्रेजेंट मॉनेटरी सिस्टम ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फिक्स एक्सचेंज रेट को हम किस और नाम से जानते हैं, पैरिटी एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, कंट्रोल्ड एक्सचेंज रेट्स की पैक्ड एक्सचेंज रेट, तो अंडर द अगर हम प्रेजेंट मॉनेटरी सिस्टम अगर IMF की बात करें तो फिक्स एक्सचेंज रेट को किस और नाम से जानते हैं, तो 45 का आंसर हो जाएगा पैक्ड एक्सचेंज रेट, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है द सिस्टम विच परमिट्स द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ फ्री ट्रेड एंड कन्वर्टेबल करेंसीज इज ए फिक्स्ड एक्सचेंज रेट्स, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स की बोथ ए एंड बी की नन ऑफ द अबव, तो 46 का आंसर हो जाएगा दैट इज योर बी फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47 है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट क्या अडॉप्ट करता है, सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, कैश अक्रूवल सिस्टम की नन ऑफ दीज, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो स्टार लगा लीजिएगा, तो BOP क्या अकाउंट सिस्टम अकाउंट क्या अडॉप्ट करता है, तो 47 का आंसर हो जाएगा दैट इज योर बी डबल एंट्री सिस्टम, दैट इज ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48 है कि जो डिसइक्विलिब्रियम ऑकर्स तब करता है जब इकोनॉमी क्या होती है एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक जाती है, उस डेवलपमेंट के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पेकुलर डिसइक्विलिब्रियम, साइक्लिक डिसइक्विलिब्रियम, टेम्परेरी डिसइक्विलिब्रियम की फंडामेंटल डिसइक्विलिब्रियम। तो 48 का आंसर हो जाएगा दैट इज योर ए, उसे हम बोलते हैं सिक्लियर डिसइक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है कि जो डिसइक्विलिब्रियम कॉजेज होता है क्यों होता है, क्यों, क्योंकि साइक्लिक फ्लैक्चुएशन की वजह से कि हाई इन्वेस्टमेंट कंट्री में, क्योंकि जो एक्सपोर्टर इम्पोर्टर के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से कि डिस्क्रेटिसिटी ऑफ रिसोर्सेज की कंट्री में संसाधनों की कमी की होने की वजह से। तो डिसइक्विलिब्रियम के कॉजेज ये होते हैं कि क्या होता है, 49 का आंसर हो जाएगा कि साइक्लिक फ्लक्चुएशन की वजह से क्या होता है, डिसइक्विलिब्रियम होता है। नेक्स्ट है IMF कमेंस्ड ऑपरेशंस इन जून 1947, मई 1950, की मार्च 1969, की मार्च 1947। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है कमेंस्ड किया ऑपरेशन वो कब किया, तो 50 का आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, मार्च 1947। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन नंबर 51 की बात करें, एडवलर्म ड्यूटी मीन्स द ड्यूटी जो कि इम्पोज की जाती है अकॉर्डिंग टू उसके वेट की, अकॉर्डिंग टू एडवेंचर की, अकॉर्डिंग टू वैल्यू की, नन ऑफ द अबव। तो एडवेलम जो ड्यूटी का मतलब वो होती है जो ड्यूटी इम्पोज की जाती है, दैट इज 51 का आंसर हो जाएगा दैट इज यू सी, अकॉर्डिंग टू वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 है, अगर इन केस ऑफ इम्पोजिंग स्पेसिफिक ड्यूटी द यूनिट्स में बी अकॉर्डिंग टू लेंथ वॉल्यूम वेट की ऑल ऑफ दिस, अगर हम क्या करें इन केस ऑफ इम्पोजिंग स्पेसिफिक ड्यूटी जो यूनिट्स होगी मे बी अकॉर्डिंग टू द क्या हो जाएगा, 52 का आंसर हो जाएगा दैट इज योर डी, ऑल ऑफ दिस ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 है, टैरिफ बैरियर कंसिस्ट ऑफ एडवेलरम ड्यूटी, क्वेटास, कोटास, इंपोर्ट लाइसेंसिंग की कंसुलर फॉर्मेलिटीज। तो टैरिफ जो बैरियर्स होते हैं इट कंसिस्ट ऑफ क्या हो जाएगा, 53 का आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, एडवेलरम ड्यूटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 है, नॉन टैरिफ जो बैरियर होते हैं वो क्या कंसिस्ट करते हैं, स्पेसिफिक ड्यूटीज, काउंटर वेलिंग ड्यूटीज, एंटी डंपिंग ड्यूटीज की इम्पोर्ट लाइसेंसिंग। तो 54 का आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इम्पोर्ट लाइसेंसिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 है, जो इम्पोर्टेंट मल्टीलेटरल ट्रेडिंग एग्रीमेंट होता है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड जिसे हम गेट बोलते हैं, अनकॉन्ड बोलते हैं कि बोथ ए एंड बी की नन होती है, जो इम्पोर्टेंट मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर 55 का हो जाएगा दैट इज योर सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है 56 है, द गेट विल बी रिप्लेस्ड बाई WTO विथ अफेक्ट फ्रॉम 1st January 1986, 1st January 1995, की 24th April 1969, की 21st April 1968। जो गेट को रिप्लेस किया गया WTO के द्वारा कब, तो 56 का आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, 1st January 1995 को। नेक्स्ट है सबसे पहला जो अनकॉन्ड वो हेल्ड किया था 1964 इन मुंबई, जापान, न्यूयॉर्क की जिनेवा। तो जो फर्स्ट जो हनकॉर्ड जो हेल्ड हुआ था 1964 में कहाँ पे हुआ था, तो 57 का आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, इन जिनेवा। नेक्स्ट है बाय 15 दिसंबर 1993 द मेंबरशिप जो होते हैं गैट के वाज ओनली 180 कंट्रीज, 125 कंट्रीज, 140 कंट्रीज की 145 कंट्रीज। तो 58 का आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 125 कंट्रीज। नेक्स्ट है जो पॉलिसी ऑफ अनकॉन्ड इज, ए टू रिमूव ट्रेड बैरियर फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल कंट्रीज, बी है टू प्रोवाइड हायर एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज टू डेवलपिंग कंट्रीज, की सी बोथ है एंड बी की नन ऑफ दी अबव। जो पॉलिसी होती है अनकॉन्ड की वो क्या होती है, तो 59 का आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, टू प्रोवाइड हायर एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज टू द डेवलपिंग कंट्रीज। नेक्स्ट है प्रेजेंटली जो गेट को रिप्लेस किसके द्वारा किया गया है, जस्ट अभी मैंने ये क्वेश्चन किया है, अनकॉन के द्वारा, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा, की नन ऑफ दिस। तो प्रेजेंटली जो गेट को रिप्लेस किया गया है किसके द्वारा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसे हम WTO कहते हैं। ये सारी चीज़ों के बारे में पढ़ के जाएगा कि तीनों के फुल फॉर्म क्या होते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये कब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, अनकॉन का, WTO, ये सारी चीज़ें एग्जाम में जरूर पढ़ के जाएगी, क्योंकि डेट्स कहाँ है इसका हेडक्वार्टर सारी चीज़ें पूछी जाती हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है जो 7 नेशंस हैं इंडियन कॉन्टिनेंट के, सब कॉन्टिनेंट कम टुगेदर इन 1985 की 1985। तो 7 नेशंस जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के केम टुगेदर इन, 61 का आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 1985।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 है, कंट्रीज जो हैं इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, ये सारे किसके मेंबर्स हैं? सार्क के, CACM के, AGCC के, EAC के। तो 62 का आंसर है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है जो ये है, ये आपके किसके मेंबर हैं, दैट इज़ 62 का आंसर हो जाएगा सार्क के, ये सारे हैं, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा सही। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, एक वन इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्रिएट किया जाता है एक्सपोर्ट के रेगुलेशन के लिए, एक्सपोर्ट के रिडक्शन के लिए, कि एक्सपोर्ट के प्रमोशन के लिए, की ऑल ऑफ दिस। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल एक इंस्टीट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि क्रिएट किया जाता है, 63 का आंसर हो जाएगा एक्सपोर्ट के प्रमोशन के लिए। हाउ मेनी एक्सपोर्ट हाउसेज वेयर ऑपरेटिंग ने इंडिया बाई मार्च 1988? 1000, 4000, 2000 की 6000? तो कितने एक्सपोर्ट हाउसेज को ऑपरेट किया गया इंडिया बाई मार्च 1988? तो 64 का आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 1000। नेक्स्ट है एग्जिम पॉलिसी जो 1985 to 88 वॉज अनाउंस्ड बाई द यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर, पी चिदम्बरम है, वीपी सिंह है, पीवी नरसिम्हा राव है, नन ऑफ द अबव। तो एग्जिम पॉलिसी जो कि 1985 to 88 जो कि अनाउंस किया था यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर के द्वारा, तो वो कौन थे, दैट इज 65 का आंसर हो जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर बी, वीपी सिंह। द टर्म एग्जिम पॉलिसी इज द एग्जिम पॉलिसी नहीं, लेटेस्ट एग्जिम पॉलिसी पूछा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट की ये चारों जो हैं। लेटेस्ट एग्जिम पॉलिसी जो कि एग्जिम पॉलिसी 1985 to 88 की, एग्जिम पॉलिसी 1988 to 91 की, एग्जिम पॉलिसी 1992 to 97 की, एग्जिम पॉलिसी 1990 to 93। तो जो लेटेस्ट एग्जिम पॉलिसी हैं वो क्या है, 66 का आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, एग्जिम पॉलिसी 1992 to 1997। नेक्स्ट है एग्जिम पॉलिसी 1992 to 1997 किसके द्वारा अनाउंस हुआ था, पीवी नरसिम्हा राव के द्वारा, पी चिदम्बरम के द्वारा, वीपी सिंह के द्वारा, की अबिद हुसैन के द्वारा। तो एग्जिम पॉलिसी जो कि 1992 to 1997 ये अनाउंस किया गया किसके द्वारा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, पी चिदम्बरम के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है एग्जिम पॉलिसी जो कि 1992 to 1997 को अनाउंस किस डेट को हुआ था, 27 मार्च 1982 को, 14 मार्च 1967 की, 14 मार्च 1992 की, 31 मार्च 1992। तो एग्जिम पॉलिसी जो कि 1992 to 1997 इसको अनाउंस किया गया कब, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 31 मार्च 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69 है, जो ड्यूरेशन है लेटेस्ट एग्जिम पॉलिसी का वो क्या है, 5 ईयर 2 ईयर 4 ईयर की 3 ईयर। तो ड्यूरेशन हुआ लेटेस्ट एग्जिम पॉलिसी का तो ये है आपका कितना, 5 साल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी प्राइस में इंक्लूड होता है कॉस्ट ऑफ पैकेजिंग, मार्किंग और डॉक चार्जेस, CNF फॉर FAS FOB, तो किस में इंक्लूड होता है, वो 70 का आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज एंड डैश सिस्टम किस तरह का सिस्टम है, अकाउंटिंग सिस्टम है, इन्वायरमेंटल सिस्टम है, टूरिस्ट सिस्टम है, कि सोशल सिस्टम। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जिसे हम BOP बोलते हैं, ये एक तरह का अकाउंटिंग सिस्टम है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, सही हो जाएगा। नेक्स्ट है NABARD एक तरह का क्या है, बैंक है, बोर्ड है, ब्लॉक है, कि डिपार्टमेंट है। तो ये जो है एक तरह का क्या है, बैंक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। NABARD का फुल फॉर्म क्या होगा, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर रूरल एंड डेवलपमेंट, ठीक है, दैट इज इसका फुल फॉर्म, याद रखिएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द आइटम ऑफ करंट अकाउंट, इसमें से कौन सा ऐसा आइटम है जो कि करंट अकाउंट का आइटम नहीं है, एमोडाइजेशन, प्राइवेट ट्रांसफर, ट्रेड बैलेंस के, इन्वेस्टमेंट इनकम। तो इसमें से कौन सा आइटम नहीं है करंट अकाउंट का, तो तीसरे का आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है विच सेक्शन इज नॉट अ बैलेंस ऑफ पेमेंट, कैपिटल अकाउंट, लॉस अकाउंट, करंट अकाउंट की ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। तो कौन सा सेक्शन जो है इसमें से बैलेंस ऑफ पेमेंट नहीं है, तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा, दैट इज योर बी, लॉस अकाउंट। नेक्स्ट है पांचवा, विच कॉन्फ्रेंस गिव द बर्थ टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, टिडा, लिबर, ब्रिटेन, उर्स्की, कांग्रेस। इसमें से कौन सा कॉन्फ्रेंस है जो गिव बर्थ टू द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो पांचवें का आंसर हो जाएगा, दैट इज योर सी, ब्रिटेन, उर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज इज नॉट ऑफ IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बॉडी नहीं है, UCO बैंक, मैनेजिंग डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव बोर्ड, बोर्ड ऑफ गवर्नर। तो इसमें से कौन सा नहीं है, तो सिक्स का आंसर हो जाएगा, दैट इज योर डी, बोर्ड ऑफ गवर्नर। नेक्स्ट
विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ करंट अकाउंट, इसमें से कौन सा करंट अकाउंट का पार्ट नहीं है? मर्चेंडाइज इम्पोर्ट, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, बैलेंस ऑफ कर की कैपिटल अकाउंट। तो सेवन का आंसर हो जाएगा कैपिटल अकाउंट, इसमें से एक तरह का करंट अकाउंट का ये पार्ट नहीं है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द आइटम ऑफ द कैपिटल अकाउंट, इसमें से कौन सा कैपिटल अकाउंट का आइटम नहीं है? एन आर आई, डिपॉजिट्स, ऑफिशियल ट्रांसफर, डिसबर्समेंट की एक्सटर्नल असिस्टेंस। तो एट का आंसर हो जाएगा दैट इज योर बी ऑफिशियल ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर वर्ल्ड बैंक ऑब्जेक्टिव, बैलेंस, डेवलपमेंट, डिलेड इम्प्लीमेंटेशन, इंकरेजमेंट टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट की रिकंस्ट्रक्शन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें से कौन सा इंक्लूड नहीं है वर्ल्ड बैंक के उद्देश्य में? तो नाइन का आंसर हो जाएगा दैट इज योर बी डिलेड इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड अंडर द मैनेजमेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, आरबीआई गवर्नर, बोर्ड ऑफ गवर्नर, एग्जीक्यूटिव कमिटी के चेयरमैन। तो टेंथ का आंसर हो जाएगा दैट इज योर ए हो जाएगा इसका ऑप्शन, दैट इज योर आरबीआई गवर्नर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 की अगर हम बात करें, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन कब लाया गया? जनवरी 1956, अगस्त 1956, जुलाई 1956 की दिसंबर 1956। तो आईएफसी जिसे हम इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है उसको फोर्स में कब लाया गया? तो 11th का आंसर हो जाएगा दैट इज योर सी जुलाई 1956। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक कब फॉर्म हुआ? 1970, 1944, 1980 की 1966। तो वर्ल्ड बैंक फॉर्म ऑन 12th का आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी 1944। वर्ल्ड बैंक को फॉर्म्ड एज अ डैश बॉडी ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, कॉम्पिटेटिव बॉडी, कॉम्प्लीमेंट्री बॉडी, एक लीगल बॉडी की होल्डिंग बॉडी। तो वर्ल्ड बैंक किस तरह का फॉर्मेशन है? एक बॉडी ऑफ आईएमएफ का। तो दैट इज 13 का आंसर हो जाएगा, इट इज अ कॉम्प्लीमेंट्री बॉडी ऑफ आईएमएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट वेयर द इनिशियल कैपिटल, क्या होते हैं वर्ल्ड बैंक के? 12,000 मिलियन डॉलर, 18,405 मिलियन, 2000 की 10,000। तो 14 का आंसर हो जाएगा दैट इज योर डी। नेक्स्ट है एड इंडिया क्लब फाउंडेड बाय द इंडिया, आरबीआई, वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन ऑफ स्टेट। तो 15 का आंसर हो जाएगा दैट इज योर सी वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक ऑब्जेक्टिव नहीं है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का? इम्पोज ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल, रिमूवल ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल की, रिडक्शन ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट की, रिमूवल ऑफ डिस्पैरिटीज इंटरनेशनल पेमेंट। तो 16 का आंसर हो जाएगा दैट इज योर इम्पोज ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल। हु इज़ द सक्सेसर ऑफ गेट, सक्सेसर ऑफ गेट पूछा है, ए बी बी, आई एफ सी, डब्ल्यू टी ओ की, वर्ल्ड बैंक। तो 17 का आंसर हो जाएगा दैट इज योर बी डब्ल्यू टी ओ। नेक्स्ट है फॉर अ क्लोज्ड इकोनॉमी की हम बात करें, हैविंग नो फॉरेन ट्रेड विच ऑफ द फॉलोइंग करंट, जी डी पी अगर एन जी एन पी से इक्वल होता है, अगर वो जी एन पी से ग्रेटर होता है कि लेस देन होता है कि कोई भी नहीं। तो 18 का आंसर हो जाएगा जब जी डी पी जो है जी एन पी के बराबर हो जाएगा। GDP stand for gross domestic product, GNP gross national product. Next question है, who proposed the proposal for the formation of IDA first time in America? A Lincoln, E.S. Morne, B.L. Tandon की D.S. Morne। तो 19 का आंसर हो जाएगा that is your B E.S. Morne। Next है question number 20 है, the function जो WTO का है has been start from 1 January 1994, 1 फरवरी 1996 कि 1 जनवरी 1995 की 1 जनवरी 1997। तो 20 का आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1995। नेक्स्ट है मिनिमम नंबर ऑफ बोर्ड ऑफ गवर्नेंस जो होते हैं वर्ल्ड बैंक में भी 12, 18, 15 की 20। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज योर ए कितना 12। नेक्स्ट है रिकार्डियन थ्योरी ऑफ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज किससे रिलेट करता है, शॉर्ट टर्म आउटकम से, लॉन्ग रन, इंटरमीडिएट आउटकम की अलौकती हो? तो रिकार्डियन थ्योरी ऑफ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज इट रिलेट्स टू द किससे, दैट इज ऑप्शन नंबर बी लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट है व्हेन द फॉरेन ऑफर कर्व हैज इलास्टिसिटी ऑफ वन दैट ऑप्टिमम टैरिफ विल बी इनफिनिटी, यूनिटी, लेस देन यूनिटी की जीरो। तो दैट इज ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इनफिनिटी। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन, हेडक्वार्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी जिसे हम बोलते हैं, सिंगापुर, मनाली, हांगकॉन्ग की टोक्यो। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, हेडक्वार्टर आपका इसका हो जाएगा 26 का हो जाएगा आपका दैट इज इन मनाली। ठीक है नेक्स्ट है
गेट केम इनटू फोर्स कब लाया गया, 1949 की, 47, 1959 की, 1960, तो इसको लाया गया बी ऑप्शन 1947 को। नेक्स्ट देखते इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन सी चीजें अकाउंट कंपोज होती है, कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों होती हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ईच ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड एज अ डेबिट और क्रेडिट साइज ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसमें क्या होगा, लार्ज इक्वल लॉस के रिजर्व्स, तो क्या हो जाएगा 40 का आंसर, दैट इज योर बी ऑप्शन इक्वल। करंट अकाउंट मेड होते हैं विजिबल और इनविजिबल दोनों से होते हैं, तो 41 का आंसर हो जाएगा, दैट इज योर ए। द अकाउंट शोज द इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैपिटल कमिटीज, जो मेच्योरिटी लॉर्डन किसके लॉन्गर होती है किसके द्वारा, 42 का ए। ठीक, तो ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में, जैसे ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या शो करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप एग्जाम से पहले ज़रूर करें। वर्ल्ड बैंक एक तरह का क्या है, तो एक इंटरनेशनल मार्केट है, एक इंटरनेशनल ऑफिस है, इंटरनेशनल एजेंसी है, एक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, तो 57 का आंसर हो जाएगा, एक इंटरनेशनल एजेंसी है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप एग्जाम से पहले ज़रूर देखकर जाएं।